हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा बुनाई डिजाइन है, बिगनर्स इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो है 3 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं, यानी कि 3 के गुने में फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना है डिजाइन को सेट करने के लिए, या एज स्टिच का भी कह सकते हैं। 2 सलाइयों का डिजाइन है, जो 2 सलाइयां आपको बताऊंगी बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी रो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज डिजाइन समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए, पैटर्न की जो फर्स्ट रो है आपकी फ्रंट साइड से स्टार्ट होगी। पहला फंदा आप ऐसे सीधा बुन लीजिए या स्लिप कर लीजिए, एक ही बात है, कर लिया। अब हम देखिए यहाँ पे तीन तीन में ये डिजाइन बनेगा, 3 फंदों में। तो 3 फंदे हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से 3 का 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए आप, मैं अभी आपको बना के भी दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, ऐसे एक फंदा बनाया, फिर सिलाई पे से धागा लपेटेंगे, ये 2 फंदा बन गया। दोबारा से अभी हम यहाँ पे एक फंदा और बनाएंगे, तो देखो यहाँ ये 3 फंदे हो गए। आगे हम ऐसे ही रिपीट करेंगे, आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे इसी तरह से बनाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर से देखिए 1 2 3, फिर से देखिए 1 2 3, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। अब आ गए हम अपनी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड देखिए, पहला फंदा जो है सेकंड रो है ये हमारी, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। आप देख रहे हैं तीन तीन में ये फंदे पड़े हुए, तीन 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 इस तरह से करके, ये देख लो। तो 3 में से 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, स्टार्टिंग में 1 और ये 2। अब देखिए तीसरे फंदे को हम ट्विस्ट करेंगे, इसके ये 3 फंदे जो है इनके पहले वाले फंदे से ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए इन दोनों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। एक फंदा और उल्टा बनाएंगे, फिर से देखिए फिर ट्विस्ट करेंगे, ये लास्ट वाला फंदा और ये पहला वाला फंदा, 1 2, अगला फंदा भी उल्टा बना लेंगे। अब देखिए फिर ये ऐसे इसको ऐसे ले आएंगे, इस साइड को उल्टा बनाएंगे, 1 2, इस तरह से बना लिया। आगे के फंदे भी उल्टे बना लेंगे। तो देखिए ये जो मैंने आपको 2 सलाई बताई, आपको बस यही 2 सलाई रिपीट करनी है बार बार। तो आप चाहो तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, ये बना के देखिए इस तरह से। पहला फंदा आप स्लिप करेंगे ऐसे, फिर 3 फंदों को 3 का 3 बनाएंगे, ये 2 3, देखो 1, फिर ऐसे घुमाएंगे 2, फिर इसी जगह से बनाएंगे 3, हो गया। फिर से देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये 3 फंदे लेंगे, वन टू थ्री, इसको थोड़ा खींच ले रही हूं मैं इसको। वन टू थ्री, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे ऐसे। रो नंबर 4 पर आ जाएंगे, 4 नहीं मतलब कि रो नंबर सेकंड। पहला फंदा आप स्लिप कर लेंगे, 2 फंदा आप उल्टा बनाएंगे पहले ऐसे, ये देखिए। अब इस फंदे को ट्विस्ट करेंगे ऐसे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 और ये 3, तीसरा भी उल्टा बनाएंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे लाएंगे, 1 2 3, फिर देखो इसको पकड़ेंगे ऐसे, इसको ऐसे, 1
टू थ्री, अगला फंदा भी उल्टा ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये डिज़ाइन बना के हम कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो दूसरा मेकअप वाला चैनल है वो विजिट नहीं किया है तो एक बार जाके देखिए, वहाँ पे मैं DIY स्किन केयर हेयर केयर मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बार देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम को आपको पसंद आए, तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे उस चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए गाइज, यहाँ पे जब आप इसे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो इस तरह से ये डिज़ाइन दिखाई देगा, ये देखिए। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बनाइएगा, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह बहुत खूबसूरत बन के आता है। तो आप ट्राई कीजिएगा, फ्रंट साइड से ऐसे, रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देता है, ये देखिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।